बड़ी खबर आ रही है उसकी तरफ भी एक नजर दौड़ाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्य मंत्री अनूप धानक ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो सचिवालय में आठवीं मंजिल पर जो उनका कमरा है वो उनको दे दिया गया है। अपना पदभार, अपना कार्यभार वो संभाल चुके हैं। सोमवार के लिए कहा गया था और आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए फिर से उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन आपको बता दें, सचिवालय में आठवीं मंजिल पर जो उनका कमरा है उनको मिला है और इस बीच सीएम, डिप्टी सीएम समेत नैना चौटाला वहां पर मौजूद रही हैं। तो राज्य मंत्री अनूप धानक, जो कि इससे पहले अपना पदभार नहीं संभाल पाए थे, सोमवार का दिन तय किया गया था, सोमवार के दिन उन्होंने अपना कार्यभार, अपना पदभार संभाल लिया है और जो उनको ड्यूटीज अलाउड की गई हैं, इसके अलावा जो उनका रूम अलाउड किया गया है वो भी आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्वागत किया गया है उनका, बुके देके, लड्डू खिला के उनका स्वागत किया है, उनको शुभकामनाएं दी हैं उनके पदभार, उनके कार्यभार के लिए। जैसे कि हमने पहले देखा था कि तमाम मंत्रियों को जब पदभार दिया गया उसके बाद खुद मुख्यमंत्री पहुंचते हैं सचिवालय में, सबका स्वागत करते हैं, बुके देते हैं सबको, लड्डू खिला के उनका मुंह मीठा कराते हैं और शुभकामनाएं उनको देते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से इन सभी को काम करना है, इसको लेकर वो गाइडेंस भी देते हैं। ऐसे ही राज्य मंत्री अनूप धानक ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि सचिवालय में आठवीं मंजिल पर उनको जो कमरा है वो मिला है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, साथ ही नैना चौटाला भी वहां पर मौजूद दिखी हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सचिवालय में आठवीं मंजिल पर उनका स्वागत किया गया है और उसके बाद ही अब उनकी जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो भी बढ़ चुकी है। तो आज बैठक भी है, बैठक को लेकर भी हम आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं कि बैठक में क्या कुछ जानकारी मिलेगी, किन किन मसलों पर चर्चा होगी, वो भी हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। उस पर नजरें लगातार हम बना के रखेंगे, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।